बीज विकास निगम में इंटरव्यू पैनल में शामिल प्रोडक्शन असिस्टेंट ने छात्राओं को व्हाट्सएप पर मैसेज किया। उसने लिखा कि जॉब चाहिए तो एक रात साथ में बितानी पड़ेगी। इसके बाद छात्राओं की शिकायत पर ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने बीज विकास निगम के प्रोडक्शन असिस्टेंट संजीव कुमार तंतुए के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नोटिसेबल अपराध होने की वजह से नोटिस देकर आरोपी को छोड़ दिया है। आरोपी ने क्राइम ब्रांच के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है। 3 जनवरी को कृषि विश्वविद्यालय में बीज विकास निगम में संविदा भर्ती के लिए इंटरव्यू रखे गए थे। इंटरव्यू में पैनल में शामिल होने के लिए भोपाल से संजीव कुमार भी आया हुआ था। जब छात्राएं इंटरव्यू देने के बाद अपने घर पहुंची तो कुछ ही घंटे बाद आरोपी का कॉल आया। इसके बाद आरोपी ने छात्रों को मैसेज किया और उसने संबंध बनाने की डिमांड की। मैसेज में लिखा कि एक घंटे में हाँ या ना के जवाब दो। उसने लिखा कि मैं आपका सिलेक्शन करवा सकता हूँ। पीड़ित छात्राओं ने अपनी आप बीती क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को बताई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। 3 तारीख को जो बीज निगम के द्वारा एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वॉक इन इंटरव्यू करके जो भर्ती होनी थी, उसमें 3 महिला अभ्यर्थियों को पैसे और सेक्सुअल फेवर की डिमांड की गई थी। उस आरोपी को कल भोपाल से हिरासत में ले लिया है। आज एक और अभ्यर्थी उसके खिलाफ शिकायत लेके आई है, उस पर वैधानिक कार्रवाई चल रही है और इसको माननीय न्यायालय के सामने अब हम पेश करने जा रहे हैं और वहाँ से पीआर के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सिर्फ डिटेल में इंट्रोगेशन की ज़रूरत है कि किस हैसियत से ये ग्वालियर आया था, क्या इंटरव्यू पैनल का पार्ट था नहीं था, और इसको जो ये महिला एप्लीकेंट हैं या जो इनके जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये कहाँ से मिले और किस तरीके से जितनी बेबाकी से इसने बेशर्मी से इस तरीके से ये बहुत ही इमोरल हरकत की है, तो कोई पहले भी कर चुका है, नहीं किया और कब से ये बीज निगम में कार्यरत है, इन सब चीज़ों को जांच पड़ताल के लिए माननीय न्यायालय से पीआर आज हम इसका पैसे की डिमांड की थी। कुछ पैसों की भी डिमांड की है, सेक्सुअल फेवर की भी। बैकग्राउंड में अभी तो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप बता रहे हैं अपने आप को, लेकिन बाकी जानकारी हमने ऑफिशियल कम्युनिकेशन करके बीज निगम से लिया और जैसा भी होगा इसमें डीपीओ साहब से उतार लेना, वैधानिक कार्रवाई करके आगे कार्रवाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।